आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10वीं और जबा 2 की परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में चल रही है। बावजूद इसके भी शिक्षा बोर्ड ने नकलचियों पर नकेल कसने के लिए उड़न दस्ता टीमों का गठन किया है, जो परीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण करके नकल कर रहे नकलचियों की धरपकड़ में लगे हैं। नकल पर अंकुश लगाने के लिए इस अभियान के चलते शिक्षा उपनिदेशक सोलन योगेंद्र बखैक की उड़नदस्ता टीम ने शनिवार की शाम को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बद्दी में परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा 10 जमा 2 की परीक्षा में 2 परीक्षार्थियों को नकल करते दबोचा तथा उनका यूएमएससी का केस बनाकर बोर्ड भेज दिया। क्लास के बच्चे थे और हिस्ट्री का पेपर था, आज SS एग्ज़ाम था और उसमें टोटल 8 केस बने हैं, जिसमें से 2 जो केंद्र अधीक्षक सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ने बनाए हैं और 2 केस जो थे वो डिप्टी डायरेक्टर की जो फ्लाइंग स्क्वाड आई थी उन्होंने बनाए। प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है। वैसे तो ऐसे तो कुछ नहीं है, पर जैसे भी जो भी बच्चा अगर ऐसे अनफेयर मीन्स या कोई ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल ला रहा है तो वो जैसे ही हमारे ध्यान में आ रहा है तो हम उसका केस बना के जो बोर्ड को भेज रहे हैं। आज जो टोटल 123 बच्चे थे और 4 कमरे हमारे लगे हुए थे, जिसमें हिस्ट्री का पेपर था, कंटेंस का पेपर था और फिजिक्स का पेपर भी था। तो सर जो केसेस बने हैं वो हिस्ट्री के ही बने हैं? सिर्फ हिस्ट्री के बने हैं। इससे पहले इस उड़नदस्ता टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चड्डी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोयला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरोटीवाला का औचक निरीक्षण भी किया। शनिवार को जमा 2 के विद्यार्थियों की इतिहास, लेखांकन, भौतिकी विज्ञान विषय की परीक्षा संचालित की गई थी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बद्दी को छोड़कर अन्य परीक्षा केंद्रों का संचालन बोर्ड के नियमों के तहत संतोषजनक पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा का संचालन सही पाया गया। इस उपनिदेशक उच्च शिक्षा सोलन के उड़न दस्ते में शिक्षा उपनिदेशक सोलन योगेंद्र बखैक, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, मुख्य अध्यापक अनिल बाली, भाषा अध्यापक देवदत्त शर्मा शामिल थे। कुठाड़, जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।